opinions and stories around the game we love told by your favorite storytellers stay up to date with all things cricket subscribe to cricket buzzes youtube channel and press that bell icon now तीसरा टी20 इंटरनेशनल भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया वहीं पे जहां दूसरा खेला गया था सेंट किट्स में लेकिन इस बार सब अपने अपने कपड़े पहन कर सही वक्त पर आ गए वैसे मैच डेढ़ घंटा देर से शुरू हुआ लेकिन सबसे पहली इंटरेस्टिंग बात यह थी कि भारत ने टॉस जीत कर पार्थिव चेज करना चाहा शायद रोहित ये चेक करना चाहते थे कि यहाँ पे चेजिंग ज़्यादा आसान है कि नहीं और चेज़ बड़ा खूब किया ना। 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 बहुत अच्छा किया चेज़ क्योंकि जरा ऐसा कभी भी ऐसा लगा नहीं कि अगर स्कोर देखेंगे तो ऐसा लगा कि नाइनटीथ ओवर में ख़त्म हुआ है जैसे बात कर रहे थे लेकिन ऐसा कभी नहीं लगा कि गेम भारत के कंट्रोल के बाहर है आराम से जीत गए जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने बल्लेबाजी करी ऋषभ पंत ने गेम को ख़त्म किया तो मेरे ख्याल से मेरा भारत खुश होगा जो अप्रोच से खेलने की जो बात कर रही थी वो अप्रोच वहाँ पर देखने को मिला तो एट द एंड ऑफ़ द डे आई थिंक यू नो इंडिया को ऐसा लगा होगा कि जो चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं वो सारी चीज़ें उनकी हो रही है अक्सर आप स्कोर कार्ड जब देखते हैं जैसे अभी हमने आपको स्कोर कार्ड दिखाया छोटा सा उसमें आप देखेंगे छिहत्तर और चवालीस ब्रैकेट में चवालीस ऐसे ऐसे आंकड़े हमने पहले देखे है। हुए हैं लेकिन जो हमने बल्लेबाजी देखी सूर्य कुमार यादव की मुझे लगता है कि ये जो फॉर्म है उनका इस फॉर्म को बरकरार रखना चाहिए बचा के रखना चाहिए एक बोतल में डाल के बंद करना चाहिए कहीं गायब ना हो जाए क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की जैसे शॉट खेले लाजवाब मैं सोच रहा था कि ऐसे और कौन खेल सकता है और मुझे बस मैंने एक दो बार खेल राहुल को खेलते हुए देखा है लेकिन आपको सबसे खास बात क्या लगी इस बार मुझे सबसे खास बात सूर्य कुमार यादव की वही लगती है कि तो एक... तो हर बार बोल तो दिया कि 360 डिग्री बैट्समैन है लेकिन अगर हर प्लेयर की स्ट्रेंथ होती है कि कई कई प्लेयर होता है कि ऑफ स्टम में एक तरह से अपना स्ट्रांग होता है कोई लेग साइड में स्ट्रांग होता है लेकिन जो प्लेयर मिड विकेट से लेके फाइन लेग तक भी छक्का मार सके और कवर से लेके लॉन्ग ऑफ तक भी छक्का मार सके ना तो उसके लिए फिर आप फील्ड नहीं लगा सकते क्योंकि आपके पास से मार्जिन ऑफ़ एरर बहुत कम हो जाता है और क्योंकि यहाँ अगर पैर में डालोगे गेंदबाजी करोगे तो आप सोच दें कि बाहर डालेंगे तो यहाँ से फिर वो कवर के ऊपर छक्का मार देता है तो आई थिंक मेरे ख्याल से

वो ऑन द राइज उन्होंने एक अल्जारी जोजफ़ को सिक्स मारा और वो कभी कभी ऐसे शॉट देखता ऐसे हो जाता है एकदम वो उस किस्म का कुछ शॉर्ट बिल्कुल आई थिंक सबसे बेस्ट शॉट वही था क्योंकि जो तो कई बार हम हर बार बात करते हैं कि स्टेट ड्राइव सबसे अच्छा शॉट है जो जैसे सचिन तेंदुलकर खेलते थे तो यहाँ पे तो स्टेट ड्राइव आपको छक्का देखने को मिल रहा है कि सेम उसी तरह की पोजिशन पे तो आई थिंक वो जो लाजवाब फॉर्मर है उसका बरकरार रखना जैसे आपने कहा वो बहुत मुश्किल होता है स्पेशली इस तरह के फॉर्मेट में जहाँ पे आप रिस्क ले रहे हो और सूर्य कुमार यादव रिस्क लेके बल्लेबाजी करते हैं तो जरो उनको हर इनिंग जीरो से स्टार्ट कर दी होगी क्योंकि इसको जितना लंबा खींच सके उतना भारत के लिए और उनके लिए बहुत अच्छा है एक और ख़ास बात थी इस बारे में क्योंकि चर्चा काफ़ी हुई थी कि क्या बाएँ हाथ के तेज गेंदबाजों के ख़िलाफ़ कोई कमी महसूस करते हैं भारतीय बल्लेबाज तो आज वेस्ट इंडीज़ ने एक और बाएं हाथ का तेज़ गेंदबाज खिलाया डोमिनिक ड्रेक्स लेकिन उबेद मकोय के चार ओवर हुए डोमिनिक ड्रेक्स के चार ओवर हुए कुल मिलाकर आठ ओवर में सड़सठ रन बने लेकिन विकेट नहीं हासिल हुई तो शायद भारतीय बल्लेबाजों ने कहा कि भले आंकड़े पिछले मैच में कुछ कहानी सुना रहे हैं लेकिन आज शायद हम कुछ और कहानी सुनाते हैं और शायद एक एक और गौर करने वाली बात यह भी थी कि स्विंग नहीं थी गेंद में तो उबेद मकोय और डोमिनिक ड्रेक्स को कुछ मिला नहीं वहाँ पे जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने भारत के लिए पारी खेली कुछ आंकड़ों के मुताबिक ऐसी ही कहानी ऐसी इनिंग्स खेली थी काइल मेयर्स ने।, ने।, ने लेकिन अंदाज कुछ अलग था काफ़ी अलग था मतलब अगर आंकड़े देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम नजर आ रहे हैं लेकिन जिस तरह से मेयर्स ने शुरुआत करी थी उस तरह से वो कैरी ओवर नहीं कर पाए इसलिए आप देखेंगे पचास बॉल में तिहत्तर रन बनाए उन्होंने ज़रूर लेकिन पारी वा, वाकई भी बहुत बढ़िया थी लेकिन जो मोमेंटम उनको मिला था पहले छः ओवर में वो उसको कैरी ओवर नहीं कर पाए इसलिए शायद जो एक का जो टारगेट है वो शायद एक तक जा सकता था लेकिन सूर्य कुमार यादव और मेयर्स की पारी का सबसे बड़ा मुझे जो फ़र्क नज़र आ रहा था कि आप चौके छक्के की हर बार बात करते हैं हम हर बार चौका अच्छा मारा छक्का अच्छा मारा लेकिन जिस तरह से स्ट्राइक रोटेशन होता है जो सिंगल्स भी उसको हम बहुत बार अंडर कर देते हैं क्रिकेट में ताकि सिर्फ अट्ठाईस रन बने और एक दौर था जहां हार्दिक पांडे और रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजी कर रहे थे दो बाएं हाथ के बल्लेबाज थे और उसी का जिक्र पार्थिव अभी कर रहे थे कि जिस तरह से शुरुआत की कायल मेयर से बीच में एकदम ऐसा लगा कि ट्रैफिक जैम की तरह कहीं फंस गए हैं वो और वो देखिए अब सात से दस में सिर्फ पांच रन के औसत से रन बने और ये फ़र्क था कि जो स्कोर बना वो 180 नहीं बना और अगर बोलिंग फिगर्स आप देखें तो हम आमतौर पर विकेट्स की बात करते हैं लेकिन दो या तीन परफॉर्मेंसेस ऐसे थे जो बिल्कुल काबिल तारीफ थे एक रविचंद्र अश्विन चार ओवर छब्बीस हार्दिक पंड्या बड़ी खूब बोलिंग कर रहे हैं चार तो मैं आपकी राय जानना चाहूंगा हार्दिक पंड्या और अर्शदीप सिंह आई थिंक हार्दिक पांड्या बिल्कुल बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं स्मार्ट गेंदबाजी कर रहे हैं वो सरफेस को बहुत अच्छा तरीके से समझ रहे हैं और उसका यूज़ कर रहे हैं जो एक ओवर की हम बात कर रहे थे कि लगातार स्लोअर वन डाले जा रहे थे दूर डाल रहे थे ऑफ स्टम के बाहर के पूरन के वो रडार में नहीं दे रहे थे और बीट कराए जा रहे थे और अर्शदीप की तो जितनी तारीफ करेंगे hmm. उतनी कम है क्योंकि नो हमने बहुत कम बार देखा है कि कोई अगर आपका टॉप का भी गेंदबाज होता है ना तो उसको भी आप पूछेंगे कि आपको आखिरी में दो ओवर एक साथ डालने तो वो थोड़ा सा हिचकिचाता है लेकिन यहाँ अर्षदीप सिंह ने सबसे मुश्किल ओवर करे सोलवा अठारह और बीसवा तो यहाँ पे जो सबसे मुश्किल ओवर है वो करे और यहाँ पे अगर आंकड़े फिर से देखेंगे तो चार ओवर में हमको तैंतीस रन दिखेंगे लेकिन वो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी है वहाँ पे जो सबसे मुश्किल ओवर में एक आधो तो कई बार एक आध हिट तो लगी जाएगी क्योंकि हर बार हर बॉल को बैट्समैन मारने की कोशिश करता है लेकिन अर्शदीप लगातार हर बार अलग तरीके से आपको इम्प्रेस करे जा रहे अगर पिछले मैच में रिवर्स स्विंग से किया था उसके बाद yeah. स्लोअर वन और बाउंसर से किया था और आज उन्होंने लगातार ओवर डाल के इंप्रेस किया तो एक हर मैच में एक नया पहलू दिखा के दिखा रहे और मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा हर गेम में अलग इम्तहान ले रहे हैं yeah. इस युवा लड़के से गिने चुने मैच खेले अर्शदीप ने लेकिन रोहित शर्मा कह रहे हैं कि चलो आज एक नया इम्तहान देता हूँ आपको सोलह अट्ठारह बीस छठा ओवर भी किया था और अगर आप आंकड़े आमतौर पर देखें सबसे सबसे महंगे ओवर कौन से होते हैं तो पावर प्ले में पांचवा छठा होता है और आखिर में सतरा सत्रह उन्नीस बीस वो ओवर होते हैं तो अर्शदीप ने एक और इम्तहान में अच्छे मार्क्स दिला दिए चार ओवर एक एक विकेट तैंतीस रन तो ये अच्छा परफॉर्मेंस रहा क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये शायद 170 180 का हो बस एक शायद चिंता भारत को कि रोहित शर्मा थोड़ी बैटिंग करके निकल गए बैक बैक्सपैज़म कहा उन्होंने उसके बारे में आप इतना खेल चुके हैं आपको हुआ था <coughs> नहीं मैं तो इतना ज़्यादा बैक बैक्सपैज़म नहीं हुआ बट जनरली जब भी हुआ है तो बैक बैक्सपैज़म आपको जनरल निकल जाता है बहुत जल्दी आई थिंक एक दो दिन से ज़्यादा रहता नहीं है और वही आई थिंक रोहित शर्मा ने भी वही बात करी कि वो फिट है खेलने के लिए तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि नहीं उनको इतना ज़्यादा चिंता की होगी कुछ ज़रूरत लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी कि यहाँ पे दो फ्लाइट लेनी है दो दो, मैच के बीच में कि आपको गयाना जाना है वहाँ पे वीजा के पेपर्स करने हैं और वहाँ से फिर यूएस जाना है तो वो वो एक शायद एक समस्या हो सकती है बैक्सबाजम को लेके लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी इंजरी है कि जहाँ से अब को गेम गेम्स ज्यादा मिस करने होंगे और जिस तरह से भारत खेल रहे हैं अगर एक आध मैच मिस करना पड़े तो भी उतनी दिक्कत नहीं होगी शायद ईशान किशन को मौका मिले शायद संजू सैमसन को मौका मिले बहरहाल इस समय दो एक से भारत आगे दो और मैच खेलने तीन दिन की छुट्टी है पार्थिव पटेल को भी छुट्टी है तीन तीन दिन की और फिलहाल तो हम ये कह रहे हैं कि फ्लोरिडा में होंगे वो दो मैचेस लेकिन देखना पड़ेगा कि अगर ये वीज़ा की जो वीज़ा का जो चक्कर है वो अगर सुलझ जाता है तो फ्लोरिडा में होंगे मैचेस नहीं तो शायद वेस्ट इंडीज़ में करीबियन में ही कहीं और होंगे लेकिन बात ये हम जानते हैं ज़रूर कि छः और सात तारीख को दो मैच होंगे और उस उन, दो मैचज़ के बाद फिर हमारी मुलाकात होगी